लोकसभा चुनाव में भगवान राम का आशीर्वाद भाजपा को अयोध्या में नहीं मिल पाया। उपचुनाव में बाबा बद्रीनाथ का भी आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन नवरात्र में माता रानी ने बीजेपी पर कृपा बरसाई है और जम्मू कश्मीर की श्री वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भाजपा को जीत मिल गई है। भाजपा के बलदेव राज यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने 1995 वोटों से चुनाव जीत लिया है। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी के बलदेव राज शर्मा, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रताप कृष्ण शर्मा और 4 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे, जिनके नाम बंशीलाल, जुगल किशोर, राग कुमार और श्याम सिंह हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 18,199 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर हैं, जिन्हें 16,204 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर हैं, इन्हें 5,655 वोट पाकर ही संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कई नई विधानसभा सीटें बनी थी, जिसमें एक सीट श्री वैष्णो देवी विधानसभा सीट भी है। पहले ये सीट रियासी विधानसभा सीट के तहत आती थी। पहली बार इस नए सीट पर चुनाव हुए और माता रानी की कृपा बीजेपी पर बरसी है। बाकी हरियाणा में बीजेपी को बंपर जीत तो मिली ही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।